नमस्कार दोस्तों, मैथ्स जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 8 गणित का पहला अपना पाठ चल रहा है। पहली प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, 13/15 इसको गुणा करना है 5 से। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तेरह बटे 15 गुणा 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो आप 1 लगा लीजिए। फिर देखिए, ये 5 से एक बार और ये 5 से 3 बार, ऊपर अपने पास क्या बच रहा है, 13 गुणा 1 मतलब 13, और नीचे 3 गुणा 1 मतलब 3, तो ये अपना आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4/-5 इसको गुणा करना है 5/4 से। देखिए इसको कैसे करेंगे। 4 का गुणा आप 5 से कीजिए, 4 का गुणा 5 से कीजिए, कितना आएगा अपने पास 20। फिर आप 5 का गुणा 4 से कीजिए तो भी 20, माइनस से माइनस दोस्तों कट जाएगा, और 20 में 20 का भाग 1 बार, तो अपना आंसर कितना आया 1। अगला क्वेश्चन देखिए, -2/5 गुणा करना है -3/7 से। तो देखिए, परिमेय संख्याओं को गुणा करने का नियम क्या होता है कि अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से। ऊपर वाली संख्याओं का गुणा आपस में होता है, नीचे वाली संख्याओं का गुणा आपस में होता है। तो 2 का गुणा आप 3 से कीजिए तो 6, और माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस। 5 का गुणा 7 से कीजिए 35, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 3 परिमेय संख्या है, इनको आपस में गुणा करना है अपने को। 15/18 गुणा 5/6 गुणा 21/5। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर कोई संख्या ऊपर और नीचे अंश और हर में कोई संख्या एक जैसी है तो वो कट जाएगी। 5 से 5 कट गया, ठीक है। 3 से 15 कट गया अपने पास 5 बार, और 18 कट गया 6 बार, ठीक है। फिर 3 से 6 कट गया 2 बार, और 3 से 21 कट गया 7 बार। 5 ऊपर देखो क्या बच रहा है अपने पास, 5 गुणा 7 35, नीचे बच रहा है अपने पास 2 गुणा 6 मतलब 12, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9/4 गुणा -7/5 गुणा -6/21। देखिए, इसके अंदर अगर कोई संख्या कट रही हो, जैसे 2 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, 3 से 21 7 बार, और 3 से 9 3 बार, और कुछ नहीं कट रहा है, 2 5 7 7 से 7 1 बार। फिर देखिए अपने पास कितना रह गया, ऊपर अपने पास 3 गुणा -1 गुणा -3, नीचे अपने पास रह गया 2 गुणा 5 गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ऊपर अपने पास देखो, 3 को आप -1 से गुणा कीजिए तो -3, फिर -3 को आप -1 से गुणा करेंगे तो -3, फिर यहाँ भी -3 है, और नीचे अपने पास क्या रह गया, 2 गुणा 5, ठीक है। तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, माइनस माइनस प्लस, और 2 को 5 से गुणा करोगे तो 10, ये अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 से 1/9 गुणा -3 से 1/2, तो ये मिश्रित भी है, इसको अनुचित में पहले अपन चेंज करेंगे। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 और 1 19/9 गुणा 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 + 1 7 -7/2, ठीक है। अब देखिए, 2 से ना तो 7 कट रहा है ना 19 कट रहा है, 9 से ना 19 कट रहा है ना 7 कट रहा है, तो इनको आप आपस में गुणा कर दीजिए। अंश का अंश से गुणा करेंगे तो 19 का आप 7 से गुणा करेंगे तो
देखो 7 9 63 86 लग जाएगी, तो 133 माइनस है, तो माइनस 9 का गुणा 2 से कर दीजिए तो 18। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 4 मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें इनका मान ज्ञात करना है, दो परिमेय संख्याएं दे रखी है, उनको क्या करना है एक दूसरे में भाग देना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। पहला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले -6 है, इसका भाग देना है 3/5 में। तो देखिए -6 यहाँ पे नीचे इसके कुछ नहीं, तो आप एक लिख सकते हैं। फिर देखिए भाग, एक परिमेय संख्या का दूसरे परिमेय में भाग कभी नहीं जाता, तो अपन भाग को किस में चेंज करेंगे, गुणा में। जैसे ही आप भाग की जगह गुणा लगाएंगे, इसके आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश। 3/5 था तो 5/3 बन गया है। फिर देखिए आप, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन कराया था वैसा ही क्वेश्चन बन गया, अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, हर को हर से कर दीजिए। तो 6 को आप 5 से गुणा करेंगे तो 30, और 1 को 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 का भाग 30 में देंगे तो 10 बार, तो -10 अपना आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, -27/5 भाग को किस में चेंज करेंगे अपन, गुणा में, तो ये उल्टा हो जाएगा, 10 तो ऊपर 54 नीचे। ठीक है, माइनस देखिए दोस्तों, माइनस पूरी भिन्न में होता है, तो आप माइनस को ऊपर ही लगा के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखिए आप, अपने पास देखो क्या बन गया, 27, ये 27 और ये 54, 27 से 27 एक बार और 54 दो बार, 5 से 5 एक बार और 10 दो बार। तो ऊपर देखो अपने पास -1 गुणा -2, तो 1 गुणा 2 करेंगे तो 2, और माइनस माइनस प्लस, और नीचे भी अपने पास 1 गुणा 2 करेंगे तो 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार, ये अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका, 21/36 भाग का साइन इसमें गुणा में चेंज करेंगे तो 18/7, माइनस है इसमें, -7 में रहने दीजिए। 18 से 18 एक बार और 36 दो बार, 18 एकम 18, 18 दुना 36, 7 से कितनी बार, 21 तीन बार और 7 एक बार, 7 से 7 एक बार कट गया, 21 तीन बार। ऊपर देखिए अपने पास बच रहा है 3 गुणा -1 मतलब -3, नीचे बच रहा है 2 गुणा 1 मतलब 2, तो ये अपना आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, -7/12 इसको भाग देना है -3/13 से। तो -7/12 भाग, एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग जाता ही नहीं, तो भाग को अपन किस में चेंज करेंगे, गुणा में, तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, 13 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, माइनस तो देखिए जहाँ है उसको वहीं रहने दीजिए। अब देखिए 12 और 13 भी नहीं कटते, 12 और 7 भी नहीं कटते, और 7 से ना 3 कटेगा। ठीक है, तो आप गुणा कर दीजिए, 7 का गुणा 3 से कर दीजिए, तो 13 गुणा 7 91, माइनस माइनस प्लस, 12 गुणा 3 36, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहले तो ये मिश्रित भिन्न में इसको अनुचित में बदलो, 9 गुणा 2 18 और 1 19, 19/9। ठीक है, और 9 गुणा 6 54 और 1 55। फिर देखिए एक परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या में भाग जाता नहीं है, तो अपन भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे, तो ये संख्या उल्टी, 9 ऊपर 55 नीचे, 9 से 9 कट गया, ऊपर बचा -19, नीचे बचा 55, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2/15 भाग देना है, तो भाग जाता नहीं है, तो अपन इसको भाग को किस में चेंज करेंगे, गुणा में, तो 45 तो ऊपर 8 नीचे। ठीक है, अब देखिए 15 से ये 45 तीन बार और 2 से ये 4 बार, तो देखो ऊपर अपने पास 1 गुणा -3, तो कितना आएगा -3,
और नीचे एक गुणा चार, तो चार ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अपना चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके थैंक यू दोस्तों।